उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंचे हैं सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। सर नारे लग रहे हैं अखिलेश भैया, बाबा का गढ़ है, बाबा के गढ़ में अखिलेश भैया को लेके जो ये प्रेम दिखाई दे रहा है नंबरों में कन्वर्ट होगा, आपको लगता है ये जो प्यार सड़क पे है वो पोलिंग बूथ तक जाएगा? 22 में बदलाव होना तय है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, जनता इस बार इनके खिलाफ मतदान करेगी और जो उत्साह जोश दिखाई दे रहा है ये सब का सब वोट में बदलेगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी, इन नौजवानों को नौकरी रोजगार कब मिलेंगे, जो 4.5 साल का कार्यकाल था केवल सरकार ने शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है और आज भी समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों का ही उद्घाटन कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, अपने काम नहीं जमीन तक पहुंचाए हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जनता इन्हें उत्तर प्रदेश से हटा देगी, सफाई करेगी। आप हटाने की बात कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए आप आए हैं गोरखपुर, बीजेपी पूरा पहुंची आजमगढ़, तो इन सब बातों के बीच में एक जो चर्चा है कि आप मतलब एक ऑफ रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में ये बात आई कि हमारा कंपटीशन सपा से है, वो बात भी इस बारे में लेकर चर्चा, आपको क्या लग रहा है जो आप माइक्रो मैनेजमेंट जातों का कर रहे हैं उनको डर है इस बात का लेकर? आपको लगता है कि बीजेपी के मन में आपकी जो जातों को माइक्रो मैनेजमेंट है, राजभर को आप साथ में लाए हैं, बाकी जगहों पर भी लोगों को जोड़ रहे हैं, बीजेपी के मन में डर लगता है आपको इस बात को? एक और बात सर, गोरखपुर की उल्टी दिशा में है ये बात भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गोरखपुर से बाहर गए, गोरखपुर की दिशा की तरफ नहीं गए, तो उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? जिस गोरखपुर से शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत इतनी जोश और उत्साह के साथ हो रही हो, तो सोचो जब गोरखपुर में पार्टी जाएगी अंदर कार्यक्रम करेगी तो क्या हाल होगा बीजेपी का। और इस बार यही जनता भारतीय जनता पार्टी को बुखार लाने का काम करेगी और खासकर गोरखपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को बुखार लाएगी, क्योंकि इन्होंने विकास में धोखा दिया है। कहाँ सपना दिखाया था मेट्रो का, लोगों को नाव चलानी पड़ी बरसात में, अस्पतालों में दवाई महंगी, रोक लेना कोई बात नहीं है। देखिए बीच बीच में बात कर रहे हैं तो जब अभिवादन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, उसको स्वीकारने के लिए भी अखिलेश यादव जी बाहर निकल जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, अखिलेश भैया को लेके नारे हैं, इस तरीके के नारे जो सपा के कार्यकर्ता सामान्य तौर पे लगाते हैं, और गदा बार बार मिलती है अखिलेश को, गदा अपने समर्थकों की तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से, और उस प्रेम को साइकिल गदा जो प्रेम का स्वरूप है सब कुछ स्वीकार करते हैं। और ये जो प्रेम गोरखपुर की सड़कों से निकलते हुए कुशीनगर के रास्ते में दिख रहा है, निश्चित तौर पे ये एक चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी ही करेगा, तो ये वो स्थिति है और प्रेम लोगों का उमड़ रहा है। सर एक सवाल मैं पूरा कर रहा था, आप यहाँ पर हैं आजमगढ़ में, अमित शाह जी भी पहुंचे हैं आपके गढ़ में, पहुंच गए घेरने के लिए आपको, अर्थ वो विकास देखने गए हैं आजमगढ़ का, वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखने गए हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज देखने गए हैं, और यहाँ पर विकास क्या हुआ है? मुख्यमंत्री जी दूसरों को कोसते हैं लेकिन कम से कम अपने लोगों को तो नाव में ना चलने देते। जिस तरीके से कोरोना में और जिस तरीके से लॉकडाउन में मजदूर यहाँ से निकले हैं, कितना अपमानित होकर के निकले, कितने लॉकडाउन के बाद कोरोना आया उसमें कितनों की जान चली गई। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी गरीबों की, उस समय सरकार ने लोगों को अनाथ छोड़ दिया, ये जनता को याद है। ज्यादातर तो युवा दिख रहे हैं, आपके हिसाब से इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के युवाओं के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप फील कर रहे हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या लगता है युवाओं के मुद्दे चुनाव में क्या है? जो नौजवानों के सामने आज संकट यह कि रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेगा, जिन परिस्थितियों के हिसाब से जो चीजें बदली हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, आज पढ़ाई उस हिसाब से है कि नहीं है, रोजगार के लिए क्या कोई ट्रेनिंग का इंतजाम है कि नहीं है, और जिस सरकार ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा हो, तो क्या उम्मीद करेगा नौजवान? अगर व्यापारी आए और व्यापारी मार दिया जाए तो कौन इन्वेस्टमेंट करने आएगा? इसलिए नौजवानों के सपने पूरे करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, तो समाजवादी लोग करेंगे। और अखिलेश यादव गोरखपुर की सड़कों में कुशीनगर के लिए बढ़ रहे हैं और इन सब चीजों के बीच में समर्थन उनको जोरदार मिल रहा है, गोरखपुर में जैसी भीड़ उमड़ी है, सपा के नेता जो बस में सवार है वो भी कह रहे हैं कि हमें नहीं लगा था कि ऐसी कुछ भीड़ उमड़ेगी, और इस भीड़ के बीच में समर्थकों से बार बार अभिवादन स्वीकार करने का काम अखिलेश यादव खुद भी कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वो युवाओं के बीच गए हैं, युवा किन मुद्दों को लेकर उनके पास आ रहे हैं, इन सब बातों का भी जिक्र अखिलेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, एपी न्यूज। ABP News, आपको रखे आगे।